हेलो दोस्तों, नमस्कार। गौतम इस रेसिपी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। उम्मीद करते हो कि आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज मैं जो आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ, एकदम स्पाइसी और विलेज स्टाइल रेसिपी है। आज मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी। यहाँ पर मैंने भुनी हुई 7 से 8 हरी मिर्च ली है और लहसुन लिया है 1.5 सारा, और इसको दरदरा सा मोटा ऐसे पीस कर साइड में रखना है। इसमें से मैंने अलग से निकाली हुई थी। अगर आप इसको कम खाना पसंद करते हो स्पाइसी, तो इसमें 2 से 4 हरी मिर्च आप यूज़ कर सकते हो। आज की ये रेसिपी बहुत डिलीशियस और स्पाइसी है, आपको भी बहुत पसंद आने वाली है, तो वीडियो एंड तक देखते रहना दोस्तों। प्याज पे मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई। कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच तेल लिया है। तेल गर्म होने के बाद हम इसमें क्या करने वाले हैं, 3 से 4 हमें अंडे जो है 1 कप में ऐसे फोड़ के साइड में रखना है। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर भी क्लिक करिए, नए नए नोटिफिकेशन आपके लिए आते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, ताकि मैं जो है आपके लिए और डिलीशियस रेसिपी लेके आ सकूँ। तेल हमारा गर्म हो चुका है दोस्तों। अब हम इसमें जो है दरदरा सा हमने जो पेस्ट बनाया था वो तेल में ऐड करेंगे, और साथ ही में एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर इसमें ले लिया है। और हल्दी पाउडर से जो है टेस्ट बढ़ता है और कलर भी निखर के आ जाता है। कोई भी सब्ज़ी हो तो हल्दी डालना जो है ज़रूरी है। तो अब हम क्या करने वाले, हमारा मसाला जो है भुन गया है, उसके बाद हमने जो अंडे फोड़ लिए थे वो इसमें ऐड करेंगे, और स्वादानुसार नमक डाल के जो है चम्मच से इसे कंटिन्यूसली घुमाते हुए मिला लेंगे। अगर आप स्पाइसी खाना कम पसंद करते हो तो कोई बात नहीं दोस्तों, लेकिन ये जो रेसिपी है, ये रेसिपी जो है मुंह का टेस्ट बढ़ाने में मदद करती है। कोई अगर बीमार है घर में, या फिर सर्दियों में सर्दी के कारण कोई भी खाने में टेस्ट नहीं लग रहा है, तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करना। ये रोटी और ज्वारी या बाजरी की रोटी के साथ अगर खाएंगे तो आपके ज़ुबान पे टेस्ट बढ़ जाएगा और खाना खाने का दिल करेगा। तो इसलिए ये रेसिपी जो है विलेज स्टाइल एक भुर्जी रेसिपी मैंने यहाँ पर आपको दिखाई है। लास्ट में मैंने ऐड किया है धनिया हरा, और अच्छे तरीके से घुमाते हुए पकाना है। ज़्यादा से ज़्यादा इसे पकने के लिए 5 मिनट लगेंगे। ये रेसिपी टोटली 2 से 3 मिनट की है, लेकिन प्रॉपरली अगर कुक करेंगे तो 5 मिनट का समय लगेगा। ज़्यादातर ऐसी रेसिपी आपने कभी देखी नहीं होगी, ये मेरी माँ की सीक्रेट रेसिपी है। अगर मुँह पे स्वाद नहीं है तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कर लेना, और कमेंट में मुझे बताना कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी थी। 2 से 3 चीज़ों में बनने वाली ये रेसिपी है, बहुत कम समय में बनने वाली रेसिपी है। अगर आपके पास इंग्रेडिएंट्स नहीं है तो भी आप बना सकते हो। रेसिपी पसंद आई है तो मुझे ज़रूर बताना दोस्तों। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। फ़िलहाल के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।